वार्ड 18 में भाजपा प्रत्याशी पंडित पंकज शर्मा ने जाटल रोड पर पीपल वाली गली में एक जनसभा का आयोजन किया। इस अवसर पर चौधरी वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी विधायक प्रेमलता, मंत्री कृष्णलाल पवार, विधायक रोहिता रेवड़ी, मेयर प्रत्याशी भाजपा अवनीत कौर, वार्ड 18 से भाजपा प्रत्याशी पंडित पंकज शर्मा, जिला महामंत्री देवेंद्र दत्ता, सुनील सोनी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से भाजपा के बड़े नेताओं ने मेयर प्रत्याशी अवनीत कौर तथा वार्ड 18 से पार्षद पद के प्रत्याशी पंडित पंकज शर्मा को वोट करने की अपील की। और मेयर पद के लिए आप जानते हैं जैसे कि हमारी प्रत्याशी अवनीत बहन अवनीत जी और पार्टी ने देखो कैसे युवा और स्वस्थ सभी के व्यक्तियों को चुना। इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जनता की लड़ाई नहीं लड़ सकती। हमें पार्टी के साथ मिलके बहन अवनीत को जिस तरह हमने रोहिता रेवड़ी जी को भाभी जी को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताया था 55,000 से और बेटी अवनीत कौर को इस निगम में मेयर के जहां रिश्ते नाते निभाए जाते हैं। रिश्ते नाते कहां निभाए जाते हैं? केवल भारत भूमि पर। लगा आदरणीय पवार साहब ने आदरणीय बहन जी से बुआ जी के रिश्ते को निभाते हुए हमारी बेटी जो महापौर के पद के लिए आप थकावट नहीं महसूस की। रात को 12:12 बज रही है जल और अपने ध्वज को लेकर के निरंतर निकल पड़ी है और लोगों का आशीर्वाद। हमारे आदरणीय सुनील जी जिलाई और ताई और मेरे बंधु खड़े हैं। मैं आप सबके बीच में प्रार्थना कर करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। आज नगर निगम का चुनाव आपके पानीपत जिला में होने वाला है। दो विधानसभाओं को मिलाकर के एक नगर निगम बना है जिसमें 26 वार्ड है और एक महापौर की प्रत्याशी है। ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है। आप लोग जानते हैं कि पहले भी नगर निगम का चुनाव होता था। आज ये जो निगम चुनाव होने जा रहे हैं हम उनकी बाजू को मजबूत करने जा रहे हैं। तो आप सबसे यही निवेदन करूंगी कि बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आप सभी 16 तारीख को लेंगे तो आप अपने वोट को खराब ना करें। आप आने वाली 16 तारीख को कमल का बटन दबाएं और मेयर पद के लिए अवनीत जी जो कमल निशान से खड़ी हैं और हमारे पार्षद श्री यहाँ पे पंकज जी ये दोनों यहाँ से खड़े हैं। आपने जो इस बार दो मशीनें रहने वाली हैं मेयर प्रत्याशी के लिए और पार्षद प्रत्याशी के लिए आपने दोनों में कमल का बटन दबाना है। आज आपके सामने अपने से पहले अपने बड़े भाई के लिए वोट की अपील करती हूँ कि आप मेरे बड़े भाई को अच्छे से अच्छे मार्जिन से इस वोट में से जिता के लाए। अगर इनकी जीत होगी तो उसी में ही मेरी जीत होगी। मुझे मेरे पापा ने दो चीजें सिखाई है कि बेटा ईमानदारी और मेहनत ये दोनों चीजों से अगर अपनी जिंदगी जियोगे तो तुम्हें हमेशा सफलता मिलेगी। तो मैं भी अपनी इस पर मैं अपना कदम रखूंगी पहले ईमानदारी से और मेहनत से ताकि मैं आप लोगों की ईमानदारी और मेहनत से आप लोगों की सेवा कर सकूं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ना मैं करप्शन करूंगी और ना ही मैं करप्शन किसी को करने दूंगी। वो ये है कि चुनाव तो हर 5 साल के बाद आते हैं और आदमी इस चीज को परख लेता है कि जो पिछले चुनाव में हमने जिसको जिताया था उसने कैसा काम किया। क्यों काम किया आदमी वोट देता है। अभी हमारे बीच में सरदार भूपेंद्र सिंह जी की सुपुत्री अवनीत कौर जी आपके बीच में है, बिल्कुल नई है और जोश है इनमें काम करने का। तो उतने ही जोश से अगर आप इनको वोट देंगे तो ये आपके बीच में बतौर महापौर पूरे पानीपत जिले का इनके पास जिम्मा रहेगा और जो काम आप करना चाहेंगे चाहे वो नौकरी का हो चाहे वो बदली का हो चाहे वो विकास का हो सब तरह की पावर इनके पास रहेगी। हमारे व्यक्ति मेरे सामने बैठे ये पानीपत शहर के लिए इस 4 साल में माननीय मुख्यमंत्री से करोड़ों करोड़ की ग्रांट लेकर आई है और हर वार्ड में समान पैसा खर्च हुआ है। चाहे पार्क बने हैं गली बनी है सीवेज बना है नालियां बनी है
ये सारे के सारे काम हर वार्ड में नजर आते हैं। और दूसरा, जैसे करप्शन की बात हर साथी ने, एक ही भारतीय जनता पार्टी सरकार में करप्शन नाम की चीज नहीं। आज पानीपत नगर का जो विकास इस 4 साल में हुआ, इसकी गति और बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे बीच में मेरी बेटी मेरपट की उम्मीदवार अमृत कौर बैठी है, हमारे अजीज छोटे भाई पंकज शर्मा जी बैठे हैं, और आप सभी 26 के 26 वार्ड में आप भारतीय जनता पार्टी के 70 प्रत्याशियों को आप जिताने का काम करेंगे। और इन्हीं की जगह से पार्टी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देखिए, आज चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो और तेज हो चुकी हैं, और हमने जब अपना चुनाव शुरू किया तो हमारा एक ही नारा था, युवा जोश ईमानदारी ईमानदार सोच, हम इसी को लेकर आगे चल रहे हैं। जैसा कि मंत्री जी ने भी बताया आपको कि मेयर की पदाधिकारी, अगर मेयर हमारा बनता है तो पार्षद हमारा बनता है तो हम और ज्यादा काम करवा पाएंगे, क्योंकि अगर पार्षद यहाँ का हमारा अपना बनेगा, भाजपा का पार्षद बनता है और मेयर भाजपा का होगा, उधर से विधानसभा में हमारी बड़ी बहन श्रीमती रोहिता रेड्डी जी है, और प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, और उसका जो डायरेक्ट लाभ जो होगा वो हमारी जनता को मिलेगा। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आपकी जो जो भी समस्याएं होंगी, जो भी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होगी, उसे मैं बिल्कुल खड़ा उतरूंगा, ये मैं आपसे अपना वादा करता हूँ।